बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट 12 करंट और इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर जिसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इंट्रोड्यूस कराया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हम क्या मालूम करते हैं? हम किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है वो है स्लाइड वायर ब्रिज या पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है? ये भी रेजिस्टेंस बॉक्स की एक टाइप्स है। इसमें मुख्तलिफ प्लग होते हैं और ये हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं दो किस्म में। एक होता है फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स और एक होता है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये 4 रेजिस्टर का कम्बिनेशन होता है, तो इसमें हमारे पास 2 रेजिस्टर फिक्स होते हैं, एक रजिस्टर वेरिएबल होता है और एक रजिस्टर अननोन होता है। तो चलो सर्किट डायग्राम से समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस ब्रिज वाज फर्स्ट प्रपोज बाय व्हीटस्टोन एन इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर। रिमेंबर इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट वी फाइंड अननोन रेजिस्टेंस इन आ सर्किट्स। दिस स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट इज मेड फ्रॉम combination of four resistor। अब हमें आते हैं कि what is the basic principle of व्हीटस्टोन ब्रिज। So basic principle of व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? रिमेंबर बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है नल पॉइंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सो नल पॉइंट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर is the basic principle of व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम null point को समझेंगे circuit diagram से कि what do you mean by null point। इसके बाद बच्चे हम आते हैं construction पे। तो construction के लिए इसके लिए जो अपरेटस दरकार है, फर्स्ट हमारे पास है 4 रेजिस्टर। अब 4 रेजिस्टर मीन्स R1, R2, R3 एंड R4। यहाँ पे R1, R2 ये है ये हमारे पास फिक्स होते हैं, मतलब ये हमें पहले से मालूम होते कि ये है कितना।
अब आर थ्री हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल वेरिएबल, वेरिएबल रजिस्टर, और आर फोर जो है हमारे पास है ये क्या है, अननोन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमें इसके लिए ज़रूरत होती है, ज़रूरत होती है टू कीज़ की, टू कीज़, की नंबर वन एंड की नंबर टू। थर्ड नंबर पे है गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर। फोर नंबर पे है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई मींस बैटरी, बैटरी। और फिफ्थ नंबर पे है कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। अब इन पांच चीज़ों को हम सर्किट में किस तरह कनेक्ट करेंगे। देखिए बच्चे, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सर्किट डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास है, देखिए देखो जी, ये हमारे पास है फोर रजिस्टर फॉर एग्जांपल। ये देखिए, ये हमारे पास है रजिस्टर नंबर फर्स्ट, ये है रजिस्टर नंबर सेकंड, ये है रजिस्टर नंबर थर्ड, और ये है रजिस्टर नंबर फोर। अब ये हमारे पास रजिस्टर नंबर वन, रजिस्टर नंबर टू, रजिस्टर नंबर थ्री, रजिस्टर नंबर फोर। अब इसको जो हमने इस तरह कनेक्ट किया, सो द सर्किट विच के यू कैन सी दे आर जस्ट लाइक अ ब्रज। अब हम वायर को कनेक्ट करते हैं, तो एक वायर हम यहाँ से निकालेंगे, एक वायर हमने यहाँ से निकाला। अब मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा, देखिए ये बैटरी है, और बैटरी के साथ मैं कनेक्ट करूँगा वट कीस को। अब से ये की अब मैंने ओपन छोड़ा है, से दैट इज की नंबर वन। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये बैटरी है, से दैट इज़ वी। ये सारे सर्किट सीरीज़ में है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक वायर यहाँ से निकालूँगा, इसके साथ मैं गैल्वानोमीटर टच करूँगा, गैल्वानोमीटर के साथ क्या है, कीज़ है। तो ये हमारे पास ये की नंबर टू है, और ये भी किस में है, ओपन है। अब यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर है ये एक करता है, गैल्वानोमीटर ही शो इज अ ब्रज। अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रांच में डिवाइड करता हूँ, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, और ये क्या है, डी। जब हम की को क्लोज करते हैं तो हमारा सर्किट क्लोज बन जाता है, और क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर करंट का फ्लो शुरू हो गया। अब हम देखेंगे कि R1 और R2 ये पहले से बच्चे क्या है, फिक्स है। R3 हमारे पास वेरिएबल है, हम इसको किस तरह मालूम करेंगे। R4 हमारे लिए क्या है, अननोन है। और इस सर्किट का जो मेन मकसद है, इस ये हमने अननोन रेजिस्टेंस मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट। अब अगर हम यहाँ देखें तो ए बी और ए डी ये आपस में किस में है, ये सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो अगर यहाँ पे करंट I1 फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे भी I1 फ्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, रिमेन द सेम एंड वोल्टेज इज डिवाइडेड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बी सी और सी डी ये भी सीरीज में है, तो अगर यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ पे करंट क्या है, I2 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें वोल्टेज सेम हो और करंट डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो ए बी इसमें करंट I1 है और बी सी इसमें करंट I2 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी और बी सी आपस में किस में है, पैरेलल में है। तो अगर ए बी और बी सी आपस में पैरेलल में है तो यहाँ पे जो मुझे वोल्टेज मिलेगा ना यहाँ पे और यहाँ पे वो सेम होगा। इसी तरह ई डी और डी सी इसमें करंट डिवाइड है, तो ई डी और यहाँ पे इसमें मेरा वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम मैथमेटिक करते हैं, देखिए बच्चे यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में ए बी
एस इक्वल टू वट बी सी। अब ए बी और बी सी किस में है, ए बी और बी सी ये पैरेलल में है, तो अगर ये पैरेलल में है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज रिमेंस द सेम। तो अगर वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे मतलब वी वी है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम ला ये ए बी वी हमारे पास होगा, ए बी किसके बराबर है आई वन आर वन, और यहाँ पे बी सी किसके बराबर है आई टू और वट आर थ्री। सो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली अगर हम देखे बच्चे तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू वट डी सी, मतलब ए डी इज इन पैरेलल विद डी सी, तो यहाँ पे भी वोल्टेज सेम है, तो यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू वट आई वन आर टू, और डी सी क्या है, डी सी हमारे पास है आई टू डिवाइड बाई वट आर फोर। ये हमारे हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब हमने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन नंबर बी बाय वट बाय इक्वेशन नंबर ए। तो यहां देखे आई वन आर टू डिवाइड बाय आई वन आर वन, यहां पे आई टू आर फोर डिवाइड बाय आई टू आर थ्री। तो ये देखे सेम हो, कैंसल हो गया, अब यहां पे रह गया आर टू डिवाइड बाय आर वन इज इक्वल टू आर फोर डिवाइड बाय आर थ्री, आर फोर डिवाइड बाय आर थ्री। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो देखिए हमें विषय मिलेगा आर टू आर थ्री इज इक्वल टू आर वन आर फोर। अब यहाँ पे आर फोर हमारे पास आ जाएगा आर टू आर थ्री डिवाइड बाय आर वन, सो से दैट इज माय इक्वेशन नंबर सी। अब इक्वेशन नंबर सी की मदद से हम मालूम कर रहेंगे, कर सकते हैं अन नॉन रेजिस्टेंस को। आर टू आर वन तो पहले से फिक्स है, लेकिन अब आर थ्री को मालूम करने का तरीका क्या है, आर थ्री को मालूम करने का तरीका बच्चे नोट करें ये होगा कि यहाँ पे अगर हम आर थ्री की जगह रेजिस्टेंस बॉक्स लगा ले, क्या लगा ले रेजिस्टेंस बॉक्स, तमाम कीज को क्लोज करो, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। अब आपने क्या करना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स से आप रेजिस्टर प्लग आउट करते जाए, रेजिस्टर निकालते जाए और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को देखो, जब गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पे आ जाए तो बस रेजिस्टर निकालना स्टॉप करें, तो वो होगा नल पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो जितने रेजिस्टर आपने निकाले हैं इसको काउंट करो, सो दैट इज योर आर थ्री, और गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पे आ जाएगी, सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो आपका आर थ्री यहाँ से मालूम हो जाएगा, फार्मूले में पुट करें तो एग्जैक्ट आपको अननोन रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसकी क्या है, तो डेली लाइफ में इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, द फर्स्ट वन है स्लाइड वायर ब्रज। तो स्लाइड वायर ब्रज ये इस पर एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली आप इसको मालूम कर सकते हैं नॉन रेजिस्टेंस। एंड द सेकंड वन इज व्हाट, पोस्ट ऑफ इस बॉक्स, सो पोस्ट ऑफ इस बॉक्स and slide wire brush post office box in slide wire brush is the practical application of Wheatstone brush. So thank you student, इस पर आप लोगों ने समझना है, इस पर बहुत से numerical आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर मैं रजिस्टर को डायोड में कन्वर्ट करूँ तो कोई भी सर्किट हो तो ये तरीका इसके लिए है। So thank you students.